हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के बारे में, जो कि लैपटॉप के रिगार्डिंग है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो जैसे आपको पता होगा कि कोल इंडिया या सभी PSUs के केस में एक लैपटॉप या मोबाइल पॉलिसीज होती है कि जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको लैपटॉप या मोबाइल प्रोवाइड किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए। तो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के केस में भी ये पॉलिसी है, बट अब इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया है। तो वो रिवीजन क्या है और उससे पहले क्या थी पॉलिसी, उसके बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पहले क्या पॉलिसी थी। पहले पॉलिसी ये कहती थी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक से ऊपर है, वो 80,000 अमाउंट के लिए एलिजिबल था। वो लैपटॉप से लैपटॉप ले सकता था या मोबाइल ले सकता था ऑफिस वर्क के लिए, और आफ्टर 4 ईयर फिर से वो ले सकता था मोबाइल या लैपटॉप 80,000 के लिए। यानी हर 4 साल के बाद वो लैपटॉप या मोबाइल इस 80,000 का जो भी है उसके लिए वो एलिजिबल था, और 4 साल के बाद उसको वो मोबाइल या लैपटॉप जो उसने लिया था उसको रिटर्न करना होता था, वापस देना होता था। जबकि आप PSU के केस में या कोल इंडिया के केस में देखेंगे तो ये 3 साल के लिए है और 70,000 अमाउंट है, अगर कोल इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, और उसके बाद आप वो लैपटॉप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉलिसी को अब रिवाइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो अब इस अमाउंट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और अगर वो मेक इन इंडिया कंपोनेंट से वो लैपटॉप या मोबाइल बना है तो 1,30,000 तक भी आप क्लेम कर सकते हैं, और आफ्टर 4 ईयर्स आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आफ्टर 4 ईयर जो आपने वो मोबाइल या जो लैपटॉप लिया था वो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये इंश्योर करना होगा कि उसमें जितना भी गवर्नमेंट का डाटा है वो सारा क्लीन कर दिया गया हो। और दूसरी चीज़ ये है, ये ऑर्डर जारी किया है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, उसने ये ऑर्डर जारी किया है कि आप जो डिप्टी सेक्रेटरी के जो जो डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक है या उससे ऊपर का जो रैंक है, उससे ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो सेक्शन ऑफिसर या अंडर सेक्रेटरीज हैं उनके लिए 50% ऑफ द सेंक्शन स्ट्रेंथ को ही ये डिवाइस इश्यूज किए जा सकते हैं। मतलब वो ही सिर्फ क्लेम कर सकते हैं जो अमाउंट है जो पॉलिसी चेंज के तहत आई है। तो ये एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। इससे पहले ये पॉलिसी जो 27 मार्च 2020 को इशू हुआ था, जिसके लिए कि जो अमाउंट थी वो 80,000 थी, और देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ रिटेंशन ऑफ डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।